तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कैसे करना है फायरवॉल की वारंटी क्लेम। एंड अगर आपके पास फायरवॉल की कोई भी डिवाइस हो तो आप इस प्रोसेस से वारंटी क्लेम कर सकते हो। अगर फिजिकल डैमेज नहीं है तो फ्री में रिप्लेस या फिर रिपेयर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। इसके लिए आपको जाना है फायरवॉल की वेबसाइट में, सर्च कर लेना फायरवॉल एंड पहले वाला जो लिंक आएगा उसे ओपन कर लेना, या फिर firebolt.com डायरेक्टली लिख के भी आप यहाँ पर आ सकते हो। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है, यानी यहाँ पर आपको रजिस्टर कंप्लेंट का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट। और थोड़ा सा नीचे जाने पे यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर कंप्लेंट एंड आवर सर्विस सेंटर्स। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर दो तरीके से आप प्रोडक्ट को सर्विस सेंटर में पहुंचा सकते हो। पहली बात तो आप खुद जाके उन लोगों के सर्विस सेंटर पे दे सकते हो प्रोडक्ट, या फिर आप कोई ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ पर आसपास कोई भी सर्विस सेंटर मौजूद नहीं है, तो ये लोग आपके घर से डिवाइस को पिकअप करके लेके जाएगा एंड रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट होने के बाद वापस आपके घर पे ही डिलीवर करके जाएगा। कंप्लेन रजिस्टर करने से पहले एक बार आवर सर्विस सेंटर्स वाले ऑप्शन पे चले जाना एंड आपका स्टेट एंड सिटी डाल के एक बार चेक कर लेना आपके एरिया में इन लोगों के सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है कि नहीं। सो फॉर एग्जांपल मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैं सीतापुर देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये, एंड यहाँ पर देख सकते हो सीतापुर में ऑलरेडी एक अवेलेबल है। कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम एंड नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। एंड अगर आपके एरिया में इन लोगों के सर्विस सेंटर है तो ये लोग पिकअप करने भी नहीं आएगा, सो कंप्लेन रजिस्टर करने का कोई फायदा नहीं, आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर पे जा सकते हो। बट अगर आपके एरिया में आपके आस पड़ोस में अगर सर्विस सेंटर नहीं है तो ये वाला स्टेप फॉलो कर सकते हो। ये वाला प्रोसेस बहुत ही अच्छा है, इस प्रोसेस से आपके घर से डिवाइस पिकअप भी हो जाएगा एंड वापस आपके घर पे डिलीवरी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बट मोस्ट ऑफ द केसेस सर्विस सेंटर विजिट करने के लिए बताया जाएगा, बहुत लकी हो तो भाई आपके घर से पिकअप होके फिर आपके घर में डिलीवर होगा फ्री में। तो इसके लिए आपको सिंपल क्लिक करना है रजिस्टर कंप्लेंट में। तो पहले आपको एंटर करना है आपका ईमेल एड्रेस, देन नेम, देन आपका फोन नंबर। मैं ब्लर कर दूंगा जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहेगा। देन नीचे वाला ऑप्शन में आपको अल्टरनेट एक फोन नंबर ऐड करना है, बट ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ना भी कर सकते हो। देन आपको परचेस सोर्स सिलेक्ट करना है, यानी कहां से आप परचेस किए हो। तो मैंने परचेस किया था अमेज़न से। देन आपको प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास है स्मार्ट वॉच एंड यहाँ पर लिस्ट के अंदर से आपको मॉडल नंबर चूज करना पड़ेगा कौन सा स्मार्ट वॉच है। तो मेरे पास है फायरबोल्ट की फिनिक्स अल्ट्रा, आपके पास जो भी डिवाइस होगा वो आप सिलेक्ट कर लेना। तो ये रहा फिनिक्स अल्ट्रा। देन आपको कलर सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास था ब्लैक कलर का, एक्चुअली ब्लैक नहीं था, डार्क ग्रे था, तो मैं डार्क ग्रे सिलेक्ट कर लूंगा। देन यहाँ पर आपको एक्यूरेट कंप्लेंट रीजन डालना है लिस्ट के अंदर से। तो मेरा स्पीकर का इशू था, स्पीकर नहीं काम कर रहा था। यहाँ पर है देख सकते हो डिवाइस साउंड इशू, वाइब्रेशन एंड रिंग इशू, तो ये वाला मैं सिलेक्ट कर लूंगा। एंड उसके बाद थोड़ा सा मेंशन करना है शॉर्ट में, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्पीकर नॉट वर्किंग। एंड यहाँ पर लिखा है प्लीज शेयर योर फीडबैक एंड अटैच इमेज एंड पीडीएफ ऑफ इनवॉइस कॉपी एज वेल एज वीडियो ऑफ द प्रोडक्ट वेयर द इशू कैन बी सीन। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पर तीन चीज करना है। पहली बात तो इशू थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना, इनवॉइस का पीडीएफ अटैच करना है एंड थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो कैप्चर करके जहाँ पर इशू दिख रहा है, जस्ट लाइक मेरा स्पीकर का इशू है, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो कैप्चर करूंगा जहाँ पर दिखाऊंगा मैं कि मेरा स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है एंड उसे भी अटैच करना है। सो ये रहा वीडियो, ऐसे ही आपको डालना है एंड फीडबैक में सेम चीज आप कॉपी कर दो, स्पीकर नॉट वर्किंग। देन आप यहाँ पर अटैच फाइल में चले जाओ, पहले इनवॉइस अटैच कर दो, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी है। तो कहाँ से निकालना है इनवॉइस, अगर आप अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट से खरीदो तो जो सिंपल आपको ऑर्डर वाले सेक्शन पे जाना है एंड यहाँ पर सर्च ऑर्डर में टाइप कर लेना अपना डिवाइस नेम एंड यहाँ पर आपको ऑर्डर दिख जाएगा। ऑर्डर डिटेल्स में आपको जाना है एंड यहाँ पर इनवॉइस वाले सेक्शन से आप इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो थिंग करना है आपको वीडियो फाइल अटैच करना है। सो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक चीज, तो ये था वीडियो फाइल जो मैंने बनाया था, लेकिन ये अटैच नहीं होगा क्योंकि इसका साइज आपको देखना है 10 MB के नीचे रखना है, तो मैंने ऑलरेडी 10 MB के नीचे बना के रखे है। देखो इसका साइज है 6.5 MB, तो ऐसे अटैच कर लेना। वीडियो अगर लार्ज है, कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो ऑनलाइन कंप्रेसर यूज कर लेना या फिर व्हाट्सएप पे किसी को सेंड कर देना, कंप्रेस हो जाता है थोड़ा सा। एंड ट्राई करना छोटा वीडियो कैप्चर करने का जहां पर ओनली इशू दिखे। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर ऑर्डर आईडी एरर के बिना डालना है, इनवॉइस नंबर डालना है एंड डेट ऑफ परचेस डालना है एंड इनवॉइस में जितना अमाउंट मेंशन है यानी टोटल अमाउंट वो डालना पड़ेगा। तो ये तीन चीज मैं दिखा देता हूं एक बार। तो ये रहा मेरा इनवॉइस, मैं यहां पर सेंसिटिव जो भी इंफॉर्मेशन है उसे ब्लर कर दूंगा। तो यहां पर देख सकते हो ये है ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट ये डालना है एंड जो इनवॉइस नंबर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये तीन चीज आपको डालना है एंड जो प्राइस था वो है ये वाला प्राइस, हमने एज इट इज इसे कॉपी किया है। यहाँ पर ऑर्डर क्वांटिटी डालना है, मैंने एक ही परचेस किया तो मैं एक डालूंगा एंड यहाँ से आपको कंप्लीट आपका एड्रेस डालना पड़ेगा। तो एड्रेस हमने यहाँ पर डाल दिए है एंड यहाँ पर देखो लिखा है प्लीज टिक इफ रिप्लेसमेंट यूनिट डिलीवरी एड्रेस इज सेम एज पिकअप एड्रेस और एंटर द डिलीवरी एड्रेस। सो अगर पिकअप एड्रेस एंड डिलीवरी एड्रेस अगर सेम है तो
तो आप इसे टिक कर लेना। एंड अगर पिकअप आप अलग जगह से कराना चाहते हो, डिलीवरी अलग जगह चाहिए, तो आपको एड्रेस एंटर करना है। ऊपर वाला एड्रेस पिकअप के लिए, नीचे वाला एड्रेस डिलीवरी जहां पर आपको चाहिए आफ्टर रिप्लेसमेंट और रिपेयर, वो एड्रेस डाल देना। सुनाओ, यहां पर आपको कंप्लेंट टाइप मिलेगा। तो आप कर रहे हो वारंटी क्लेम, जो कि यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, सो आप सिंपल यहाँ पर आधार सिलेक्ट कर लेना। अगर रिप्लेसमेंट ऑलरेडी आ चुका है आपके पास एंड गलत आइटम आया है रिप्लेसमेंट के बाद, तो आप जो रिप्लेसमेंट के साथ इनवॉइस आया है उसी इनवॉइस को अटैच करना है। यहाँ पर रिप्लेसमेंट यूनिट इशू ये वाला चेक कर लेना। तो अगर गलत आइटम आ गया है आपका रिप्लेसमेंट के टाइम, तो फिर से आप इसे वापस भेज सकते हो। एंड आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, वो भाई यहाँ पर बोर्ड ढूंढना पड़ेगा। एंड उसके बाद सिंपल आपको सबमिट कर देना है। एंड यहाँ पर आ जाएगा योर टिकट हैज बीन क्रिएटेड। नेक्स्ट आपको चेक करना है आपके मेल, एंड आपके पास तुरंत एक मेल आएगा। सो मेरे को मेल में यही इन्फॉर्म किया गया है, भाई आपके पास जो डिवाइस है इसे सर्विस सेंटर से ही आपको सही कराना है, सर्विस सेंटर विजिट करना है। यहाँ पर लिंक दिया है नियरेस्ट सर्विस सेंटर चेक करने के लिए। आपको भी ऐसा अगर मेल आया है तो भाई आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा इसे सही करने के लिए। अगर पिकअप अरेंज होता है तो आपको मेल में इन्फॉर्म किया जाएगा, कुरियर वाला आपके पास आएगा आपके घर में डिवाइस पिकअप करने के लिए। आपको बॉक्स, चार्जिंग केबल एंड डिवाइस बॉक्स में पैक करके कुरियर वाले को दे देना है एंड वेट करना है आपके रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर होने का। सो दैट्स इट, इतना ही था इस वाले वीडियो में। आई होप समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।